नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल के जितने भी दोस्त लोग एग्जाम भरे हैं उन सभी का एग्जाम प्रोग्राम, कहने का मतलब है एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के तरफ से। ठीक है, अब आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये जानकारी शेयर करने वाले हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट कर लें, क्योंकि दोस्तों बता दें इससे पहले हम जानकारी शेयर किए थे कि इसी मंथ में आपका लास्ट वीक तक, अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम इंटर कंपार्टमेंटल का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हुआ, ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ। अब चलिए आप सभी के सामने एग्जाम सेंटर लिस्ट और एग्जाम प्रोग्राम को किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड करते हैं उसके लिए चलते हैं दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन पर, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। सिंपली आपको गूगल में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है ऑफिशियल वीडियोस। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। ठीक है, आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और फर्स्ट नंबर वाले जो ऑप्शन है आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको जो है एग्जाम प्रोग्राम यानी कि एग्जाम रूटीन कंपार्टमेंटल का डाउनलोड करना है। उसके लिए एग्जाम वाले में जाएंगे, उससे पहले कह रहा है स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एग्जाम जाएंगे एग्जाम प्रोग्राम कॉलम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम वाले में हम आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन, आपको इसी पर क्लिक करना है एग्जाम प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से क्लोज ओपन का बटन आएगा, आपको ओपन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हैं दोस्तों, ओपन हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों बता दें इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रचार देखने को मिलेगा, तो इसमें से कोई एक प्रचार पर क्लिक करके आप नीचे जाएं ताकि जो लिंक पर क्लिक करेंगे वो फास्ट ओपन हो पाए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ खास जानकारी आपके लिए है जो कि हम शेयर कर रहे हैं, तो बने रहें। देखिए सबसे पहले जो जानकारी दिया गया है वो है यहाँ पे, देखिए दोस्तों डिटेल्स भी दिया गया। ठीक है, 25 अप्रैल से जो है 4 मई तक आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज किस तरह से दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम डेट, सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग दोनों का है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं किस किस डेट में होने वाला है। ठीक है, ये आप खुद से यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एग्जाम प्रोग्राम, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके एग्जाम प्रोग्राम को डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि एग्जाम्स का जो भी है। और सेंटर लिस्ट जो है अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्टिव सुन बता रहा है, हो सकता है अगर सेंटर लिस्ट जारी होगा बिहार बोर्ड की तरफ से तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर का बटन लग जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रतीक्षा करना है, अभी यहाँ पे एक्टिव सुन बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अपडेट है दोस्तों आप सभी के सामने शेयर किया। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों परेशान होंगे, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो दोस्तों एडमिट कार्ड अगर ऑनलाइन डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होता है तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि अपने कॉलेज से संपर्क कर अपना एडमिट कार्ड को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमने आप सभी के सामने शेयर किया। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, लगा तो वीडियो को दबा के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान दें दोस्तों कि जब आप सेंटर लिस्ट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है सेंटर लिस्ट बिहार बोर्ड की तरफ से आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और एग्जाम ना छूटे। अगर दोस्तों क्वेश्चन आउट होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा, और आपको करना क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।